नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में काफी सारे कन्फ्यूजन होते हैं। हम एसी के लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर लें, या फ्रिज के लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर लें, या फिर एलईडी टीवी वगैरह के लिए कौन सा स्टेबलाइजर लें, और अदर जो अप्लायंसेज है उनके लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर लें। इन सबके लिए अलग अलग स्टेबलाइजर होते हैं क्या? क्या फ्रिज वाला एसी में, एसी वाला टीवी में इस तरह से यूज कर सकते हैं क्या? या फिर इसमें नया फीचर कौन सा आया है? या फिर क्या स्टेबलाइजर लाइट खाता है? या फिर स्टेबलाइजर चुने तो कौन सी बातें याद रखें? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। यहां सबसे अच्छी बात इस वीडियो में यही है कि इतने सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से, बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही बढ़िया स्टेबलाइजर अपने अप्लायंसेज के लिए चुन सकेंगे। यहां आपको बताऊंगा कि एलईडी के लिए कौन सा अच्छा है, रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सा अच्छा है, आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा अच्छा है, या फिर आपके एसी के लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर अच्छा है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, और इन सभी सवालों के जब आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए तो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो पसंद आया या नहीं। एक चीज और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देख लेते हैं पहले एक बार स्टेबलाइजर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेबलाइजर काम क्या आता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी वोल्टेज कम या ज्यादा होते हैं तो स्टेबलाइजर उनको स्टेबल करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि वोल्टेज आखिर कम या ज्यादा होते क्यों है? तो वो जो इसके 5 पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए काफी काम का है, और वो चीज अगर आप पकड़ गए तो आपको स्टेबलाइजर यूज करना बड़ा आसान हो जाएगा। बहरहाल, यहां हम देखते हैं कि स्टेबलाइजर काम क्या करता है। तो ये जब वोल्टेज ऊपर या नीचे होते हैं तो ये उसको स्टेबल करता है, और आपके अप्लायंसेज को, उनकी जो मोटर्स होती है उनको जलने से बचाता है। क्योंकि जब जितनी भी बिजली कम या ज्यादा होती है उसका असर सीधा सीधा अप्लायंसेज या उपकरणों के मोटर पर पड़ता है, और मोटर जल सकती है या उस उपकरण में आग भी लग सकती है, यह उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या काम करता है। अब सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि हम ये बात समझ लें कि हमें जब वोल्टेज स्टेबलाइजर चुनना है तो कैसे चुनना है, और किस उपकरण के लिए कैसे चुनना है, यानी कि एसी के लिए कैसे हम स्टेबलाइजर चुने, फ्रिज के लिए कैसे स्टेबलाइजर चुने, एलईडी टीवी के लिए कैसे स्टेबलाइजर चुने, कंप्यूटर के लिए कैसे चुने, या और जो उपकरण है उसके लिए कैसे चुने, और एक मेन लाइनर स्टेबलाइजर होता है उसको कैसे चुने, ये सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि जब भी आप मार्केट में वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने जाते हैं तो एक प्रॉब्लम सामने आती है कि जब हमारा जो घर में कंज्यूम होती है हमारी जो बिजली, वो होती है वाट में, और जितने भी स्टेबलाइजर बाजार में मिलते हैं उनमें से मैक्सिमम मोस्टली आपको VA यानी कि वोल्टेज एम्पियर में मिलेंगे, या फिर KVA में मिलेंगे। अब हमारी जो कंजप्शन है वो है वाट में। अब स्टेबलाइजर मिल रहा है VA में या KVA में, तो भाई अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये आ जाता है कि यार कैसे पता लगाएं कि कितना VA वाला लेना है या कितना KVA वाला लेना है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में लानी है कि आपके घर में कुल जितने भी उपकरण है, टीवी, एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सबका कुल कंजप्शन कितना है। दूसरी बात, आप जब स्टेबलाइजर लेने जा रहे हैं, आप जब भी मार्केट में वोल्टेज स्टेबलाइजर लेने जा रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस स्टेबलाइजर पर कितना लोड डालना चाहते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हमारे समझ में ये आ जाता है कि कितना वाट हम स्टेबलाइजर पर डालना चाहते हैं, तो हमारे लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर चुनना आसान हो जाएगा। अब वाट, VA या फिर KVA का एक बार अंतर भी समझ लो। इसमें आप ज्यादा गणित में मत पढ़ो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं वैसे भी, कि आपका जितना भी वाट का कंजप्शन है, मान लीजिए आप 1000 वाट का लोड अपने स्टेबलाइजर पर डालना चाहते हैं, तो आपको उसमें जस्ट 20% इंक्रीज करके स्टेबलाइजर लेना है, लेकिन वो मिलेगा आपको VA में। तो अब आप 1000 VA यानी कि 1000 वोल्ट एम्पियर का स्टेबलाइजर लेने की जगह 1200 या फिर 1200 VA का, ठीक है ना, 1200 वोल्ट एम्पियर का, या फिर 1.2 KVA का स्टेबलाइजर खरीद सकते हैं। फिर सुनिए, मान लीजिए आपका जो कंजप्शन है 1000 वाट का है, तो आपको जस्ट 20% यानी कि 1200 VA वोल्टेज एम्पियर का, या फिर 1.2 किलो वोल्टेज एम्पियर का आपको स्टेबलाइजर लेना है, ठीक है? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और वैसे हम इसका एक बार गणित समझ लें छोटा सा, तो आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं कि 1000 VA, 1000 वोल्टेज एम्पियर बराबर
एक किलो वाट एम्पियर, ठीक है ना। तो 1000 VA बराबर 1 KVA, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको वाट को वोल्टेज एम्पियर में कैसे बदलना है या फिर वाट के हिसाब से आपको अपना वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे खरीदना है। और एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जो मैं आपको स्टेबलाइजर बता रहा हूँ, ये जो लोड बता रहा हूँ, ये केवल डोमेस्टिक यूज के लिए या घरेलू उपयोग के लिए है। अगर आप इंडस्ट्री में यूज करेंगे इस तरीके के सिस्टम से तो ये कामयाब नहीं होना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब दूसरी बात, आपको मार्केट में जितने भी स्टेबलाइजर मिलेंगे उन सबका इनपुट रेंज या फिर उन सबका इनपुट वोल्टेज अलग अलग होता है। तो जब भी आप मार्केट में स्टेबलाइजर लेने जाएं तो आपको अपने घर का इनपुट वोल्टेज या इनपुट रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये क्या चीज होती है इसको भी एक बार समझ लो, वरना फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। मान लीजिए आपके स्टेबलाइजर का वोल्टेज जो रेंज है या आपके इनपुट वोल्टेज जो है वो 150 वोल्ट मिनिमम और 260 वोल्ट मैक्सिमम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब मान लीजिए आपके घर का वोल्टेज मिनिमम से नीचे आ जाता है यानी कि 140 वोल्टेज आ जाता है और मैक्सिमम से ऊपर चला जाता है यानी कि 270 वोल्टेज या 65 वोल्टेज आ जाता है, तब स्टेबलाइजर क्या करेगा? ये आपके होम अप्लायंसेस की जितनी भी सप्लाई है उसको कट कर देगा, तो इससे उसकी मोटर चलने से बच जाएगी और वो उपकरण चलने से बच जाएगा। लेकिन स्थिति कई बार दूसरी भी बन जाती है, यानी कि जब आपके घर का वोल्टेज मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर और मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 150 से थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए ये हो गया 160 और मिनिमम और मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे यानी कि ये हो गया 250, तब ये क्या करेगा आपकी जो वोल्टेज सप्लाई है उसको स्टेबल करेगा और उन उपकरणों को चलते रहने देगा, ठीक है। दोनों स्थितियों में आपके विद्युत उपकरणों को जलने से बचा देता है उस फीचर की जो बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों वो होता है सर्ज प्रोटेक्शन, ठीक है ना, सर्ज SURGE सर्ज प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सर्ज की स्थिति कब बनती है, यानी कि अचानक जब वोल्टेज एकदम से हाई आते हैं और ये बिल्कुल नैनो सेकंड्स के लिए होता है, ठीक है। जब किसी भी नैनो सेकंड में वोल्टेज अचानक से इतने हाई आ जाते हैं कि आपके उपकरणों के जलने की स्थिति बन जाती है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर इस स्थिति में भी आपके जितने भी अप्लायंसेज है उनको जलने से बचाता है, क्योंकि काफी महंगे अप्लायंसेज होते हैं और वोल्टेज स्टेबलाइजर कीमत ना के बराबर होती है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि इसलिए सर्ज प्रोटेक्शन वाला स्टेबलाइजर ही आपको लेना है। अब आप सोचेंगे ये फीचर किस में मिलता है, तो मैंने अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग स्टेबलाइजर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं सर्ज प्रोटेक्शन वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, ताकि आपको उम्दा किस्म के स्टेबलाइजर चुनने में बड़ी आसानी हो और आप अच्छी कीमत पर उनको परचेज कर सके। आप इन्हें मार्केट से भी ले सकते हैं या आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या सिंगल फेज या थ्री फेज वाले जो स्टेबलाइजर होते हैं इनमें अंतर होता है क्या? तो एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि डिटेल से तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों के लिए जो स्टेबलाइजर्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब घर में कौन सा यूज करें, तो बात याद रखना घर में आपको सिंगल फेज वाला ही यूज करना है, क्योंकि घर के जितने भी उपकरण हैवी से हैवी घर में जो यूज करते हैं, चाहे आप एसी करें चाहे आप प्रेस करें, तो ये दोनों हैवी उपकरण है, या आप रूम हीटर की बात भी कर सकते हैं, तो इनका जो कनेक्शन होता है वो सिंगल फेज में होता है। इसलिए आप घर के लिए हमेशा सिंगल फेज में यूज आने वाला ही वोल्टेज स्टेबलाइजर चुने। थ्री फेज वाला आपके घर में यूज नहीं आता है, लेकिन कुछ घरों में प्रॉब्लम आती है जहां सिंगल फेज और थ्री फेज कनेक्शन भी होते हैं, दोनों कनेक्शन होते हैं, तो वहां एक बात याद रखना है कि उस घर में स्टेबलाइजर बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि कुछ नैनो सेकंड्स के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं और वो नैनो सेकंड आपके सभी उपकरणों के लिए कब्रगाह साबित हो सकता है, सभी उपकरणों को जला सकता है, इसलिए आपको स्टेबलाइजर की जरूरत होती है। दूसरी बात याद रखना, एक स्टेबलाइजर को आप एक या दो उपकरणों से ही जोड़े, मेन लाइन से कभी भी नहीं जोड़े, क्योंकि स्टेबलाइजर मेरे भाई बिजली खाता है। अब ये बिजली कैसे खाता है, कितना खर्च होता है, वो भी आपको बताता हूं। अब एक सवाल आता है कि क्या स्टेबलाइजर बिजली खाते हैं, तो भाई बिजली सभी स्टेबलाइजर खाते हैं, लेकिन एक बात बताता हूं आपको, ये इनकी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का स्टेबलाइजर आप ले लीजिए, मैंने लिंक भी दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यार वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आप बेस्ट से बेस्ट कंपनी का स्टेबलाइजर ले लें, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है उस पर निर्भर करता है इसकी बिजली की खपत। अब बढ़िया से बढ़िया स्टेबलाइजर 95 से 98, ठीक है ना, या फिर आप मान लीजिए 90 से 95% ही एफिशिएंट होते हैं, यानी कि ये 100% बिजली कंजप्ट करेंगे, 90% आपको काम करके दे देंगे, इसका मतलब ये 5% बिजली खाते हैं। अब मान लीजिए आप 1000 वोल्टेज एम्पियर का स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी आधा यूनिट आपकी खाएगा, ये कितने घंटे में, 10 घंटे में। स्टेबलाइजर आपकी मान लीजिए 95% एफिशिएंसी का है, तो ये आपकी
कुल मिलाकर के आधा यूनिट खाएगा पूरे 10 घंटे में। इसलिए कहता हूं कि किसी भी स्टेबलाइजर को किसी उपकरण से ही जोड़े, मेन लाइनर स्टेबलाइजर का यूज नहीं करें, क्योंकि वो स्टेबलाइजर आपके पूरे 365 दिन ऑन रहेंगे और काफी सारी बिजली खाएंगे। आधा या एक यूनिट पर डे की माने तो आपका मिनिमम 365 यूनिट तो वो खाएगा ही खाएगा, इसलिए ये बिल आपकी जेब से जाएगा। इसलिए मेन लाइनर स्टेबलाइजर का यूज आपको नहीं करना है, केवल होम अप्लायंसेस के लिए सिंगल लाइनर जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उन्हीं का आपको यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं एलईडी के लिए कौन सा स्टेबलाइजर ले, तो लिंक मैंने वैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख लेना, मार्केट देख लेना। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जितने भी एलईडी मार्केट में आ रहे हैं ऑलरेडी ये जो एलईडी है ये चल रहे हैं आपके 110 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट के बीच, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम इनमें नहीं आती है किसी भी तरीके की स्थिति में। लेकिन कई बार स्थिति बन जाती है कि आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो एलईडी है लो वोल्टेज में भी चल जाते हैं, लेकिन लो वोल्टेज में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि इनके जलने का खतरा बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनको स्टेबलाइजर ही बचाता है। तो इसलिए स्टेबलाइजर का यूज आप कर लें महंगी एलईडी के लिए, तो आपकी एलईडी सेफ रहेगी, वरना उसकी मोटर अंदर से उसकी आईसी जो भी उसमें अंदर तार वगैरह होते हैं वो जलने का खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं फ्रिज के लिए, तो फ्रिज की भी स्थिति हम देखें। आजकल एक्चुअल में क्या है कि इन्वर्टर फ्रिज भी आ रहे हैं, जैसे इन्वर्टर एसी आ रहे हैं ऐसे इन्वर्टर फ्रिज भी आ रहे हैं, तो उनके लिए तो खास करके स्टेबलाइजर बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं वो आपके 110 से 220 वोल्ट पर चलते हैं, ये भी लो वोल्टेज में काम करेंगे, लेकिन कुछ नैनो सेकंड्स के लिए मान लीजिए वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ तो वहां आपका ये रेफ्रिजरेटर जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आपको वहां सर्ज प्रोटेक्शन वाला स्टेबलाइजर ही इससे आपको बचाएगा, आपके अप्लायंस को इस रेफ्रिजरेटर को सेव करेगा। तो इसके लिए भी आप चाहें तो अलग से स्टेबलाइजर ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसी तरीके से एसी और वॉशिंग मशीन के लिए भी आपको स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भाई मैंने तो मेरे दोनों ही एसी में स्टेबलाइजर लगाया हुआ है, वॉशिंग मशीन और एलईडी के लिए भी लगाया हुआ है, क्योंकि ये इतने महंगे उपकरण आते हैं यार कि एक बार नुकसान होने के बाद बड़ी परेशानी आती है इनको ठीक कराने में, मिस्त्री भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए ये छोटा मोटा खर्चा स्टेबलाइजर का ये हमें कर लेना चाहिए, ताकि इससे हमारी लाइनें भी सेफ रहें और इससे हमारे उपकरण भी सेफ रहें। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।